बीते दिनों संसद में हुई सेंधमारी पर अभी भी हर तरफ बातचीत का सिलसिला जारी है। बातचीत के साथ साथ विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर आरोपों की बौछार कर रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संसद की सुरक्षा में चूक मामले में बहस से भागने का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा, प्रधानमंत्री इस मामले में बहस करने से इसलिए डर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सदन में घुसने वाले युवकों को प्रवेश दिलाने में मदद करने वाले मैसूर के भाजपा सांसद की भूमिका पर सवाल उठाए जाएंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री ने 13 दिसंबर को लोकसभा में हुई बेहद खतरनाक घटना पर आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी है। उनका कहना है कि इस मामले पर बहस की नहीं बल्कि जांच की जरूरत है और जांच चल भी रही है। रमेश ने कहा कि 13 दिसंबर को जो हुआ और जिस तरह से हुआ उसे लेकर इंडिया गठबंधन के सभी दल गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहे हैं और ये मांग जारी रहेगी। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री इस सीधे कारण से बहस से भाग रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक अखबार को दिए इंटरव्यू में इस मुद्दे पर कहा था कि संसद की सुरक्षा में जो चूक की घटना हुई है उसकी गंभीरता को जरा भी कम नहीं आंकना चाहिए। संसद में इस मुद्दे पर विपक्षी दलों के हंगामे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नसीहत दी कि ऐसे विषयों पर वाद विवाद या प्रतिरोध से सभी को बचना चाहिए। प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी के बाद विपक्षी दल कांग्रेस ने उन पर जमकर हमला बोला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।